मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस के जज का इस्तीफा, एनआईए कोर्ट के जज रविंद्र रेड्डी ने इस्तीफा दिया। जज रविंद्र रेड्डी ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस्तीफा भेजा। जज रेड्डी ने इस्तीफे को निजी वजह बताया। जज रविंद्र रेड्डी ने आज ही मक्का मस्जिद ब्लास्ट पर फैसला सुनाया था। कल फैसला सुनाया था। सीमानंद समेत सभी पांचों आरोपियों को बरी किया। जज के इस्तीफे पर ओवैसी ने ट्वीट करके जानकारी दी। जज के फैसले पर हैरानी जताई। मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में सीमानंद के खिलाफ एनआईए साबित नहीं कर सकी धमाके के गुनाह। कोर्ट ने सबूतों को पर्याप्त नहीं बताया। हैदराबाद की मक्का मस्जिद में 2007 में हुआ था ब्लास्ट। 9 लोगों की मौत हुई थी, 58 लोग घायल हुए थे। असीमानंद को 2 महीने में दूसरी बड़ी राहत। अजमेर ब्लास्ट में जयपुर कोर्ट ने भी किया था 8 मार्च को बरी। गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरएस मणि ने पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम और शिवराज पाटिल पर सवाल उठाए। कहा दोनों को देश के सामने सफाई देनी चाहिए। असीमानंद के वकील जेपी शर्मा ने कहा मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस सुनियोजित साजिश थी, हिंदू संगठनों को फंसाने का मंसूबा था। कांग्रेस का मोदी सरकार पर आरोप। गुलाम नबी आजाद ने कहा अपने फायदे के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। मक्का ब्लास्ट केस में ओवैसी का एनआईए पर आरोप। कहा राजनीतिक दबाव में एनआईए ने नहीं की सही पहली। ओवैसी का पीएम पर निशाना। कहा पॉलिटिकल मास्टर की वजह से एनआईए ने केस ठीक से हैंडल नहीं किया। गवाहों के पलटने से कमजोर हुआ केस। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा कांग्रेस ने असीमानंद को फंसाया था, अब चिदम्बरम के खिलाफ दर्ज होना चाहिए केस। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कहा हिंदू नेताओं को साजिश के तहत फंसाया गया था। कहा साबित हुआ कि भगवा रंग आतंकी नहीं होता। आरएसएस ने भी कहा हिंदू आतंकवाद का हवा खड़ा करने के लिए कांग्रेस माफी मांगे, फैसले को बताया सत्य की जीत। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने मामले पर कुछ भी कहने से इनकार किया। कहा आगे का फैसला सरकार को लेना है। सीपीएम नेता वृंदा करात ने सभी आरोपियों के बरी होने पर चिंता जताई। कहा आतंकवाद पर हमारी समझ राजनीति और धर्म से प्रेरित नहीं होनी चाहिए।